हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी उनके पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी ये वीडियो देख सकता है। ऑल्सो मैरिड अनमैरिड लोग भी देख सकते हैं, लेकिन वन साइडेड रिलेशनशिप वाले नहीं देख सकते इस वीडियो को, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से प्यार होना या फीलिंग्स होना या रिश्ते में होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे अभी बात नहीं हो रही हो, लेकिन रिश्ते में होना ज़रूरी है आप दोनों का। सो उन्हीं लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले कि आप दोनों में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या इशू है इस वक्त। जब भी मैं रीडिंग शुरू करूँ, प्लीज़ फोकस सारी बाकी चीज़ों से हटा के पूरी तरह अपने पार्टनर पे रखिए, उनके बारे में सोचिए, मेडिटेट करिए, यूनिवर्स से पूछिए कि आपके मन में कोई भी डाउट हो वो उनको क्लियर करे। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी के सबसे पहले है यहाँ पे वाटर साइन। हो सकता आप वाटर साइन हो या आपके पार्टनर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसीस। यूनियन, काफ़ी लोगों का यहाँ पे बहुत ही जल्द यूनियन होने वाला है। बिछड़े हो, सेपरेशन में हो, डेफिनेटली आपका यूनियन होगा इस पर्सन के साथ। नेक्स्ट है फेथफुल। तो अगर कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट है कि क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, क्या ये यू नो लॉयल है, फेथफुल है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स खुद आपको बोल रही है कि डेफिनेटली दे आर फेथफुल। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे। हो सकता है ये पर्सन, अगर इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई थी या आपसे यू नो ब्रेकअप करा था, तो हो सकता है शुरुआत में जब भी आपसे बात करे तो ये बोले कि लेट्स बी फ्रेंड्स, और उस तरह से वो यू नो आपके करीब आने की कोशिश करे, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लायर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो उनको लगता है कि आप झूठ बोलते हो या आपको लगता है कि वो झूठ बोलते हैं, और हो भी सकता है पर्सन पास्ट में लायर थे, क्योंकि अभी की जो एनर्जी है वो है फेथफुल। तो मुझे लगता है काफ़ी बदलाव आए हैं इस पर्सन के अंदर। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जनरल एनर्जीज है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर लायर हो या कुछ लोगों के पार्टनर ना हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। एंड न्यू जॉब, तो आपके लाइफ में अगर आप न्यू जॉब चाहते हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जहाँ पे आपको एक नई जॉब लग सकती है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं खिचखिच करती हूँ, मेरे गले में यू नो रीडिंग करते वक्त मैं गला साफ़ करती हूँ। तो देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे खिचखिच करने से, तो आप मेरे वीडियो ना देखें, क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है 1 महीने से करीबन, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया है, अभी मेरा लगभग ठीक होने पे आ गया है। तो अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत अगर बाकी नहीं है, मेरे खिचखिच करने का आपको इतना प्रॉब्लम होता है, बजाय कि आप रीडिंग पे फोकस करो, तो आप जा सकते हो कहीं और, जाइए जहाँ पे आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सको, अपना गुस्सा निकाल सको। मेरे चैनल पे आके प्लीज़ ऐसी बात ना करें, ठीक है? क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आप अपना गला साफ़ कर लो और फिर रीडिंग करो, बहुत इरिटेशन होता है। अरे, आपको इरिटेशन होता है तो आप मत सुनो। अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पे आते हो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो, तो आप कैसे पर्सन हो, एज अ ह्यूमन आप फिर कैसे हो? अगर किसी की प्रॉब्लम, कोई अगर इतना प्रॉब्लम में हो के रीडिंग्स दे रहा है आपको, तो उसका रिस्पेक्ट रखो ना, बजाय कि मेरे खिच-खिच पे आपका ध्यान जाए। राइट, तो थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ, नहीं है तो दिखाओ एटलीस्ट। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, कोई यहाँ पे इतना थ्रोट इन्फेक्शन है, इतना कुछ मुझे हो रहा है, फिर भी मैं अगर रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, और आप कुछ कुछ लोग ऐसे आके बोलते हैं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। आप कभी खांसते नहीं हो क्या? आपको अगर ऑफिस में जाके खांस रहे हो, तो क्या आपके लोग, आपके अगर कलीग्स आपको बोलने लगे ऐसा, तो आपको कैसा फील होगा ना, ये सोचिए और फिर बोलना।
मुंह उठा के कुछ भी मत बोल देना, ठीक है? आई डोंट नीड यू एज अ माई सब्सक्राइबर, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है मेरे खिचखिच से तो. चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में. फोकस अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए. ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं. एनलाइटमेंट, प्रेयर, इंस्टिंक्ट, क्या है? मेरा नेचर ऐसा ही है, सीधी बात नो बकवास. तो जो है मैंने बता दिया, नेगेटिविटी मत फैलाइए, रिकवरी. ओके, एंड बॉटम में है इम्पास, ठीक है? सो गाइस, जहाँ तक कि मुझे लगता है, जितने भी कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, मुझे लगता है आपके पार्टनर डेफिनेटली काफ़ी उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. हो सकता है वो हाल ही में काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो. आपके प्रेयर्स का भी नतीजा है, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी प्रे करते हो फॉर दिस पर्सन, कि ये पर्सन यू नो आपके पास आ जाए, या आप दोनों के बीच की सिचुएशंस ठीक हो जाए, उनके दिमाग में जो ये नेगेटिविटी भरी है वो यू नो कहीं ना कहीं निकल जाए. आप ये चाहते हो काफ़ी लोगों के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समय से मे बी प्रेयर्स कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो इस पर्सन को, तो मुझे लगता है आपके प्रेयर्स असर कर रही है और इनके नेगेटिविटी, इनका नेगेटिव सोचना और ये सारी चीज़ों पे काफ़ी असर हो रहा है विद टाइम, क्योंकि मुझे काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इस इंसान के फीलिंग्स में, इस इंसान के बिहेवियर में, थॉट्स में, ठीक है? तो डेफिनेटली आपका जो प्रेयर है वो आंसर किया जा रहा है. एंड मुझे लगता है इस पर्सन को, या अगर ये बीमार थे या कुछ प्रॉब्लम में थे तो शायद आप प्रे कर रहे थे इनके लिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है. मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए, या तो आप इनके बारे में किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, या तो ये किसी से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं. अगर वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो समझ लीजिए वो आपके पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत करना या डिस्कशंस दिख रहे हैं, आप उनके बारे में या आप वो आपके बारे में, ठीक है? मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना रह रहकर आपकी आपके साइंस या आपका नाम कहीं दिख जाता है, आपकी यादें आने लगती है अचानक से. मतलब ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं और सोचते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका नाम दिख जाना, आपकी फ़ोटो सामने आ जाना, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके वजह से वो बार बार आपकी तरफ खिंच रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है. एंड मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं इनको अपने तरफ खींचने के लिए, या तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकता है. किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी ये बीमार थे या आप बीमार थे और सामने वाला पर्सन बहुत प्रे कर रहा था कि ये ठीक हो जाए, ठीक है? तो रिकवरी हो रही है, आपके प्रेयर्स डेफिनेटली आंसर यहाँ पे भी किए जा रहे हैं. एंड बेसिकली इनका जो नज़रिया है, इनका जो थॉट प्रोसेस है ना आपको लेकर, वो काफ़ी बदल रहा है. ओके, तो ये मैं ओवरऑल देख रही हूँ. आगे बढ़ते हैं, चलिए और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स. प्लीज़ फोकस अपने पर्सन पे रखिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो. एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है पोस्टपोनमेंट. मुझे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, सही टाइम का, सही मोमेंट का. कुछ चीज़ें हैं जो ये टाल रहे हैं, आगे आगे उसको ढकेल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनको, इनके अंदर आपके लिए प्यार भी है, काफ़ी ज़्यादा आपका वेट भी कर रहे हैं, उस समय का वेट कर रहे हैं जब ये आपके साथ रीयूनाइट करे या सब कुछ आप दोनों के बीच में एकदम नॉर्मल हो जाए. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही इस पर्सन की गलती है कि और ज़्यादा वेट करवा रहे हैं आपको भी और अपने आप को भी, ठीक है? चलिए देखते हैं कार्ड्स कौन से हैं. फ्लावरिंग, द आउटसाइडर, फाइटिंग, ट्रैवलिंग, कॉम्प्रोमाइज. ओके, देखिए पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए.
आपकी, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, फोटोज डाल रहे हो या कुछ पोस्ट्स डाल रहे हो जी, जो ये कहीं ना कहीं किसी फेक आईडी से या किसी के थ्रू देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आप पे काफ़ी नज़र रखे हुए है, स्पेशली अगर आप कोई फोटो डालते हो अपनी या कोई पोस्ट डालते हो ना, सबसे पहली नज़र इनकी पड़ जाती है उस पर, ये सबसे पहले उस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। या तो खुद कोई फेक आईडी बनाई है, या तो किसी के थ्रू आपको स्टॉक करवाते हैं, या आपकी पोस्ट सबसे पहले उनके फ़ोन में आ जाती है, सबसे पहले मैसेज उनको जाता है जब भी आप कोई नया पोस्ट डालते हो, कहीं पे कमेंट करते हो, कुछ भी करते हो तो। बट ये पर्सन ना इस तरह से, मतलब जो अब ये पर्सन आपको अपना मानते हैं, राइट, आपको अपनी सबसे करीबी मानते हैं, और जब ये अब आपके लाइफ में नहीं है, जब आप दोनों अभी दूर दूर हो, सेपरेशन में हो ना, इन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि इनको एक अजनबी की तरह या चुप चुप कर आपको देखना पड़ता है, चुप चुप कर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, तो उनको एक अजनबी की तरह लगने लगा है कि यार एक वक्त था जब इस पर्सन ये खुद मुझे फोटो सेंड करता था, एक वक्त था जब मैं हक से इससे कुछ मांग लिया करता था, और अब मुझे अजनबियों की तरह रहना पड़ रहा है। तो ये इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है, और इसके वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ और अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार जब ये मेरा था तब मैंने इसकी कदर नहीं की, अब ये मेरे से जब दूर हो गया है और मुझे इसको अजनबियों की तरह देखना पड़ता है, सिर्फ मैं देख पाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता, जा नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, हक से कॉल नहीं कर पाता, तब तो इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है, और क्यों ये चीज़ ना उन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए कि ये, मुझे लगता है कोई लड़ाई झगड़ा जो आप दोनों के बीच में हुआ था पास्ट में, जब आप दोनों ने फैसला के कर लिया एक दूसरे से बात ना करने का, वो झगड़ा, वो लड़ाई झगड़े ये। सो मुझे लगता है कि जो लड़ाई जो हुई थी आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि यार क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, क्यों हम दोनों के बीच में ऐसे सिचुएशंस आ गई, तो वो चीज़ें इन्हें बड़ी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट हो गया है आप दोनों के बीच में, और वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो फिज़िकल और इमोशनल दूरियाँ है उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो यही चीज़ें इनके दिमाग में, जहन में चल रही है कि कैसे कैसे इन चीज़ों को हकीकत में बदला जाए। एंड मुझे लगता है अभी तक ना ये इंसान जो है काफ़ी ढीठ हुआ करते थे, हमेशा इनका जो एक इच्छा होती थी कि आप इनके सामने झुके, आप माफ़ी मांगे, आप पहल करें, तो अब या ये आपकी बात, अपनी बात हमेशा आपसे मनवाना चाहते थे, तो अब मुझे काफ़ी चेंजेस इस तरह दिख रहे हैं कि अब ये चाहते हैं कि बस आपसे बात हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए सारी सिचुएशन, चाहे फिर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े या आपकी कोई बात माननी पड़े, दे वॉन्ट टू डू इट, वो करना चाहते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपसे मिलने आए, फेस टू फेस बैठ कर कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, अपनी बात आपके सामने रखे और आपकी बात भी सुने। अभी तक मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो वीडियो देख रहे हैं, ये पर्सन ने हमेशा अपने को सही ठहराया और आपको गलत। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि दे वॉन्ट टू बैलेंस इट आउट, मतलब ना तो सिर्फ उनकी गलती और ना तो सिर्फ आपकी गलती है, जहाँ पे उनकी गलती है वो मानेंगे और जहाँ पे आपकी गलती है आपको मानना पड़ेगा। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ओके, और देखते हैं। फोकस प्लीज अपने पर्सन पे रखिए। ओके, चलिए मेजर एनर्जीज देख लेते हैं उनके। फर्टिलिटी है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो, तीसरा महीना चल रहा हो। ठीक है, देखिए अगर आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपको अपनी केयर करनी है, और या तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कंसीव कर जाओ अगर आप चाहते हो,
लाइक शादी हो गई है ना, आप चाह रहे हो, कब से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जाए कंसीव कर लूँ, तो वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। या कोई कोई यहाँ पे ऐसे भी है जो ऑलरेडी 3rd मंथ चल रहा है, तो अपनी केयर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली। जैसे आप अपनी केयर कर रहे हो वैसे ही करते रहिए, और जो लोग यहाँ पे अनमैरिड है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स कौन से आए हैं। एंड मुझे लगता है इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। या अगर आप शादीशुदा हो एंड ये आपसे दूर चले गए हैं, तो वो चाहते हैं आपके पास आए और यू नो दे स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, तो ये भी देख रही हूँ मैं। यहाँ पे ट्रम्फेंट सक्सेस, यहाँ पे है मटेरियल हार्वेस्ट प्रोस्पैरिटी, ओके, एंड यहाँ पे विक्ट्रियन सक्सेस है। वाओ, पहली बात तो मुझे जो नोटिस हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस में, अपने स्टडी में, जो भी ये करते हैं ना, काफ़ी फोकस्ड है उस पे, और उसमें उन्हें धीरे धीरे अभी थोड़ा थोड़ा विक्ट्री भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रही है उनके लाइफ में। मुझे लगता है कि हाल ही में कुछ स्पेशली उनके करियर लाइफ में दे हैव अचीव्ड समथिंग, कुछ तो छोटा सा ही क्यों ना हो या बड़ा ही क्यों ना हो इन्होंने अचीव किया है, जिसके वजह से इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। मे बी इनको जॉब लग गई हो, अगर जॉब नहीं करते थे तो, या अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई है, या अगर कहीं पे अटकी थी कोई सिचुएशन वो हो गई है, आगे बढ़ गई है। अगर किसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या ओपनिंग का, वो आ गया है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है मुझे लगता है जिस पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो 9th मंथ है, सितंबर मंथ, इस मंथ में ये मुझे इनको काफ़ी ज़्यादा, या तो हो सकता है इस पूरे मंथ के दौरान इनको बहुत सारे फायदे, बहुत सक्सेस मिलेगी इनको, कहीं पे रुका हुआ पैसा था वो मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा पता है, स्पेशली अगर करियर की वजह से या पैसों की वजह से आपका रिश्ता अटका था, तो वो चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अब वो ये नहीं बोल पाएंगे आपको कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, या यू नो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है पैसों के लिए, ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन अब सुधरते हुए दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि अब इस पर्सन को ना इस रिश्ते में फ्यूचर में, अगर इनको पहले ऐसा लगता था कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैं इसके लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा, तो वो इनका जो थॉट्स थे वो अभी मुझे लगता है काफ़ी हद तक जा चुके हैं, निकल चुके हैं, वाइप आउट हो चुके हैं उनके दिलो दिमाग से। और अभी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हाँ मुझे भाई इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, मुझे इस प्यार को मुकम्मल करना है, मुझे इनको पाना है, इनको अपनी ज़िंदगी में रखना है आखिर तक। यही चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अभी फील हो रही है, ओके। एंड काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। कैसे होता है ना कि स्पेशली फॉर बॉयज़, मैंने ये देखी है, ये चीज़ नोटिस की है मैंने अपने लाइफ में भी, कि जब लड़कों की लाइफ में उनका करियर या उनके फाइनेंशियल कंडीशन सुधरते हैं, उन्हें सक्सेस मिलती है, उनके मन मुताबिक जब चीज़ें उस फील्ड में होने लगती है ना, तो अपने आप ही कहीं ना कहीं उनका जो नज़रिया है रिश्ते को लेकर और प्यार को लेकर और फ्यूचर को लेकर आपके साथ, वो बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एग्जैक्टली वही स्टेट मुझे इस वक्त आपके पर्सन की दिख रही है, ठीक है। तो आपको उनको डेफिनेटली सपोर्ट करना है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बात नहीं कर रहे हो तो कैसे सपोर्ट करोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो हमसे बात ही नहीं कर रहे तो कैसे सपोर्ट करें। तो देखिए आप दूर रहकर भी प्यार भेज सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है इस रिश्ते को लेकर भी ना उनका जो आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, वो बदल गई है। अब वो सिर्फ हैप्पीनेस, सिर्फ सक्सेस को ही विजुलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हो टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। फोकस फिर से मैं आपको बोलूँगी, अपने पर्सन पे जितना फोकस करोगे, जितना उनके बारे में सोचोगे अच्छे से प्यार से, उतना क्लियर एनर्जीज आ पाएंगी। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। मैं आपको साइंस बताऊंगी, पहले कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं साइन बताऊंगी लास्ट में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ स्वर्ड्स है, द एम्परर है, द चैरियट है,
टू ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड बॉटम में 5 ऑफ कप्स है। देखिए साइंस यहाँ पे है एरीज, लियो, सैगिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, अक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपका इनके लाइफ में होना उसको मिस कर रहे हैं आप। मतलब ये पर्सन डेफिनेटली पूरी तरह से आपकी यादों में खो चुके हैं, एक लॉस फील कर रहे हैं कि भाई मैंने मेरे हाथों से एक ऐसे प्यार को गवा दिया है, खो दिया है, जो जिसका पोटेंशियल था आगे बढ़ने का, शादी होने की, ठीक है। क्योंकि उनको आप में ही अपना परफेक्ट पार्टनर दिखाई देता है, ठीक है। जो प्यार इन्होंने आपसे पाया है, जो प्यार इन्होंने आपके अंदर फील किया है या आपको लेकर फील किया है, वैसा प्यार शायद ही इन्हें किसी के लिए फील हुआ हो कभी, ठीक है। तो प्यार तो करते हैं, ये चीज़ तो क्लियर है, और आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप सोल कनेक्शन है आप दोनों का। एंड मुझे लगता है ये पर्सन अभी रेडी है उस प्यार को आपको देने के लिए, वो प्यार आपके सामने जाहिर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए। ये डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों ने पहले से ही, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म आपका रिश्ता में भी रहा हो, या 2 साल का या 3 साल का भी रहा हो, तो आप दोनों ने काफ़ी पहले से ही ये चीज़ें सपने देखे थे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, हर मामले में, इमोशनली, हम एक घर बनाएंगे, हमारी फैमिली होगी, ये होगा, वो होगा। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में वो तो आप छप चुके हो, आपकी जो छवि है जब भी आपके बारे में सोचते हैं या देखते हैं आपको, इनको अपना लाइफ पार्टनर ही दिखाई देता है। मतलब इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि आपको अपने से अलग नहीं समझा है, इस पर्सन ने आपको हमेशा एक समझा है, अपनी फैमिली की तरह समझा है, और ये आपके साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं और आपके साथ ही ये लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे आप दोनों के बीच की कमिटमेंट इशूज सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। बेसिकली अब ये चाहते हैं किसी भी तरह आपका साथ पाना, किसी भी तरह आपको मनाना, एंड कुछ चीज़ें या तो ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपके सामने, या फिर अपनी फीलिंग्स को क्लियर जैसे कि तैसे रखना चाहते हैं आपके सामने, आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वर्थ इट हो, आप में वो सारे गुण हैं, या आप वैसे ही हो एग्जैक्टली जैसे उन्होंने हमेशा से ही चाहा था अपने पार्टनर का होना, आप एग्जैक्टली वैसे ही हो, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं प्यार की, एंड स्टेबल, बेसिकली इनका जो माइंडसेट है, नज़रिया है, वो भी काफ़ी स्टेबल हो गया है, एंड आपके अंदर भी वो एक स्टेबिलिटी देख पाते हैं आप। मतलब दिस सी समथिंग लाइक, वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, अभी सक्सेस, 6 ऑफ वांड्स फिर से सक्सेस को ही दर्शाता है, तो वो इस रिश्ते को डेफिनेटली 110% सक्सेसफुल करना चाहते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं एंड सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, किसी के सामने आपको छुपाना नहीं चाहते अभी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके साथ। दे हैव रियलाइज्ड कि प्यार है और प्यार से भागा नहीं जा सकता, अब मूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को। हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दे, या घर वालों से मिले, मिलाए, शादी के बाद छेड़े, तो ये सारी चीज़ें अब मुझे आगे जाके होते हुए दिख रही है। चलिए आपका देख लेते हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड में हो, नो कॉन्टैक्ट में आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, स्टार, किंग ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स, बॉटम में है 7 ऑफ स्वर्ड्स। तो साइंस यहाँ पे बता देती हूँ, स्पेशली अक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, अक्वेरियस है, ठीक है। देखिए पहली बात तो मुझे लगता है बिल्कुल भी आपका ट्रस्ट नहीं रहा है, मे बी इस पर्सन ने आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं दिया जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ, आपको अब लगता है ये पर्सन पे ट्रस्ट करना वो भी आंखें बंद करके एक पागलपन होगा, तो आप बच बच के चल रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप देख रहे हो या देना, अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं ना तुरंत आप भरोसा नहीं करोगे, यू विल बी लाइक लेट मी सी कि तुम बदले हो या नहीं, तुम पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि पास्ट में आपने इन्हीं स्वर्ड्स को ना अपने अंदर
झेला है, यू हैव फेल्ट दैट पेन, ठीक है, तो अब आपको ट्रस्ट नहीं हो पाएगा आसानी से इस पर्सन पे. दूसरी चीज़, मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पेशली आपके लिए ना, मुझे लगता है ये जो वक्त रहा है सेपरेशन का, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था. आपने कभी सोचा ही नहीं था इस पर्सन से दूर होना कैसे होता है, या फिर कि आप इतना इतना परेशान हो सकते हो आप इस पर्सन के लिए. और मुझे लगता है आप काफ़ी एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस्ड हो, रोते हो, स्पेशली नाइट टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, सो नहीं पाते हो या जाग जाते हो, बुरे सपने आते हैं आपको, डराते हैं ये सपने. बट फिर भी एक अच्छी बात है, इतना सब सहने के बाद या इतना इतना इस पर्सन से बार ओवर एंड ओवर अगेन दुख खाने के बाद या पेन लेने के बाद आपने को फिर से फिर भी होप है. बट अभी इस होप में एक चेंज मुझे दिख रही है. हालांकि स्टार कार्ड इज़ होप, ठीक है, पेशेंस रखना, होपफुल रहना, विश करना कुछ. बट इस वक्त मुझे ये एक चेंज यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपके फीलिंग्स में, कि आप अच्छी चीज़ों के लिए अभी होप रख रहे हो, ठीक है, कि अगर मुझे मिले तो मुझे बेस्ट ही मिले, अगर यह पर्सन आए तो स्टेबिलिटी के साथ ही आए, वरना ना ही आए तो बेहतर रहेगा मेरे लिए. ऐसा आपका अभी माइंडसेट हो गया कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे मिले, ठीक है. दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप, देखिए, भले ही आप अभी कोई एक्शन लेने के माइंडसेट में नहीं हो, क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है, आपने इस पर्सन को 100% या 200% दिया है. हमेशा गलती किसी की भी हो आपने माफ़ी मांगी है, हमेशा आप ही इस पर्सन के साथ सुलह करने के लिए गए हो. लास्ट टाइम भी मुझे लगता है आप ही गए थे. एंड अब आप चाहते हो कि ये पर्सन ले आपके लिए स्टैंड, ये पहल करे, ये अपनी तरफ से आए, आपकी तरफ रुख करे, और इसीलिए आप वेट कर रहे हो. यू आर वेटिंग, आपने काफ़ी कंट्रोल रखा है अपने फीलिंग्स पे, अपने पैशन पे, एंड आप वेट कर रहे हो. बट जैसे मैंने बोला, आप चाहते हो कि जो मुझे मिले वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो, अच्छा हो, बेटर हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि अभी भी ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, अभी भी इनके लिए आपका अट्रैक्शन कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी आप प्यार करते हो, अभी भी ये पर्सन आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है, और अभी भी आपको इनको देख के या इनके बारे में सोच के प्यार ही आता है आपके मन में, और अभी भी उतना एक्साइटेड फील करते हो आप. तो यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है. आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं. ओके, तो हमारे जो व्यूअर है, ओके, पहले नीचे गिर गए कार्ड्स. तो हमारे जो व्यूअर है उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. द गार्डन एंड द गेट. देखिए, आपका लॉस नहीं है, चाहे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, चाहे आप पीछे मुड़कर जाना चाह रहे हो इस पर्सन की तरफ, दोनों ही, जहाँ पे भी जाओगे आपके लिए हैप्पीनेस है, प्रॉस्पैरिटी है, अबंडेंस है, ठीक है. डिसीजन आपका है, आपको क्या चाहिए, क्या आपको ये पर्सन चाहिए, क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्या ये पर्सन, मतलब आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, आप अपने बारे में भी सोच रहे हो और आपको सोचना भी है. अगर नहीं सोच रहे हो तो डेफिनेटली सोचना है, क्योंकि जहाँ पे भी जाओगे, जो भी रास्ता चुनोगे, आपके लिए ब्यूटीफुल ही रहेगा, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है. मुझे झिझक दिख रही है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर, मे बी ये डिसीजन लेने को लेकर कि मैं क्या करूँ, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करें. बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट जो भी सोच रहे हो स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हो, प्रैक्टिकल और इमोशंस को मिक्स करके सोच रहे हो. ऐसा नहीं है कि बस प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकली सोच रहे हो, इमोशनल है तो इमोशनल ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, जो कि बहुत अच्छी बात है. डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए आपको. एंड लास्ट है जस्ट पॉसिबिलिटीज़. तो अगर आपको लग रहा है कि यार इस सिचुएशन से कोई रास्ता नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगी या निकल पाऊँगा, तो डेफिनेटली रास्ता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए आपको. पॉसिबिलिटीज़ है, रास्ते हैं, बस सोच के अच्छा डिसीजन लीजिए. एंड बॉटम डेक में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स चाहते हैं या एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ताकि आप इस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग रखो और इस सिचुएशन में अच्छे डिसीजंस लो. हिम्मत हार दोगे तो होप्स हार दोगे, होप्स हार दोगे तो जो चीज़ अच्छी होने वाली है वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है. मैं हमेशा ही कहती हूँ होप्स रखिए. चलिए आगे बढ़ते और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए.
मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं, तो इस पर्सन को बस आपका प्यार चाहिए। मन करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। सी आई टोल्ड यू, मे भी ट्रैवल करना चाहती है, आपकी तरफ आना चाहती है। आखिर आखिर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी, तो आखिर तक ही आपका इंतज़ार करना चाहती है। जो भी है, तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना है, तो बिल्कुल भी मतलब इनको लगता है लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा इनके आपके लिए बिना। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगी। और आखिरी मैसेज है, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो मे बी कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइड करनी है, सोच रहे हैं तो अकेले रहना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं मैसेजेस। उसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। गुस्से में प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। अभी आप दोनों में ही होगा कुछ जो आपने फिक्स कर लिया है, ऐसा ऐसा ही करेंगे, तो शायद उन्हें लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है, मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे के नसीब में हैं। और आखिरी मैसेज है, अकेलेपन में तुम और याद आते हो। सो जब ये अकेले होते हैं ना, आप और ज़्यादा याद आते हो। तो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर रेजोनेट हुई है तो वो भी बताना। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो ये लाइक चिपका दीजिए एंड हमारे दूसरे और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।